15 अगस्त साल 1947 ये तारीख बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर भारतीय नागरिक को याद होगी। और हो भी क्यों ना, इस दिन भारत आजाद जो हुआ था तब सबकी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे, हवा में अजब सा रोमांच था और मन में कमाल की ताजगी। जालियांवाला बाग हो या विभाजन का दर्द, सब कुछ भुलाकर देश में सिर्फ आगे बढ़ने का जुनून ही था। लेकिन आजादी के महज 138 दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को दहला दिया। पुलिस निहत्थे आदिवासियों को घेर कर स्टन गन से धनाधन गोलियां बरसा रही थी। हर तरफ भगदड़ और गोलियों का शोर था, जिसके सामने चीखने, चिल्लाने और करहाने की आवाजें भी कमजोर पड़ गई। कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान लाशों से भर गया। लगभग 2000 निहत्थे मासूमों के साथ कत्लेआम कर दिया गया। ये ठीक वैसा ही डरावना मंजर था जैसा 13 अप्रैल 1919 को हुए हत्याकांड के बाद जलियांवाला बाग का, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। लेकिन किसकी? आखिर कौन था इस हत्याकांड का जनरल डायर? क्यों इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया? और क्या है जलियांवाला बाग जैसे इस जघन्य हत्याकांड की असल कहानी? शुरुआत उस दौर से करते हैं दोस्तों, जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था और बंगाल इसकी रीढ़ की हड्डी। औरंगजेब ने इसे नेशंस के बीच स्वर्ग की उपाधि दी थी, क्योंकि ये प्रांत नेचर से लेकर इंडस्ट्रियल तक हर सेक्टर में प्रॉफिट कमा कर देता था। नदी, झरने और उपजाऊ जमीन, जिससे नमक से लेकर रेशम तक लगभग सब कुछ पैदा किया जा सकता था। शुरुआत में इस प्रेसिडेंसी में आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स शामिल थे। बाद में इसने धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के रियासतों और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, बर्मा यानी के म्यांमार को भी जीत लिया। पेनांग और सिंगापुर को भी एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा माना जाता था, जब तक कि जलट मरु मध्य की बस्तियों की स्थापना एक अलग क्राउन कॉलोनी के रूप में नहीं हुई। तब बंगाल की प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी थी। लेकिन साल 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेकर आए और देश को धर्म के नाम पर बांटना शुरू कर दिया। इसी दौरान बंगाल के विभाजन की रूपरेखा तैयार हुई। कर्जन ने ईस्टर्न हिस्से को असम के साथ मिलाकर अलग प्रांत बना दिया, जिसमें मुस्लिम आबादी मेजॉरिटी में थी। दूसरी ओर हिंदू डोमिनेटेड वेस्टर्न पार्ट को बिहार और ओडिशा के साथ मिलाकर वेस्ट बंगाल नाम दे दिया गया। हालांकि इस नए प्रांत के भीतर अपने स्पेसिफिक कल्चर के साथ साथ एक बड़ी आदिवासी आबादी भी मौजूद थी। इन आदिवासियों को अंग्रेजों और गैर आदिवासी आबादी दोनों से ही कई शिकायतें थी। इन्हीं शिकायतों की वजह से साल 1912 में हजारीबाग के सेंट कोलंबो कॉलेज में पहली बार एक अलग आदिवासी राज्य की मांग उठी। इन सब के बीच वेस्ट बंगाल से निकलकर बिहार को अलग राज्य बना दिया। आज दुनिया के ज्यादातर देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसकी शुरुआत बिहार से ही मानी जाती है दोस्तों। जी हाँ, और दुनिया के बहुत से हिस्सों में जब लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, उस समय एजुकेशन का सबसे बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय इसी राज्य में था। लगभग 6th century BC में भी बिहार के शासकों का सिलेक्शन जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा ही किया जाता था। खैर, बिहार के अलग राज्य बनने के बाद भी ये बगावत यहीं नहीं रुकी और अगले कुछ ही सालों में अलग राज्य की मांग ने जोर पकड़ लिया। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो उसने विभाजन को आधिकारिक मान्यता दी। दरअसल कमीशन को भारत में संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। जांच के बाद कमीशन ने कहा कि बंगाल प्रेसिडेंसी का गठन एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर किया गया है, जबकि इसमें 3 अलग अलग सेक्टर्स हैं। इनके न केवल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बल्कि सोशल और लिंग्विस्टिक और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बिल्कुल अलग है। इस तरह साल 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक अलग राज्य बन जाता है। लेकिन तब भी आदिवासियों की मांगे अनसुनी रही। दरअसल बिहार में एक क्षेत्र था खरसावा, जिसमें ज्यादातर आबादी आदिवासियों की थी, जो उस समय एक रियासत हुआ करता था। आजादी के बाद देशी रियासतों का विलय हो रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों के विलय के लिए इन रियासतों को 3 कैटेगरीज ए, बी और सी में बांटा। ए कैटेगरीज में भारत की बड़ी रियासतें, बी कैटेगरीज में मीडियम और सी कैटेगरीज में छोटी रियासतें थी। खरसावा एक छोटी रियासत थी जिसका एरिया 400 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम था। ये जमशेदपुर के वेस्ट में 60 से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। इस क्षेत्र में उड़िया भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए ईस्टर्न इंडिया की 24 रियासतों के साथ साथ सरायकेला और खरसावा को भी ओडिशा में मिलाने का फैसला किया गया। वहां के राजा भी इस बात को लेकर तैयार थे, लेकिन ज्यादातर आदिवासियों ने इस विलय का विरोध कर दिया।
खरसावा सरायकेला के आदिवासी ना तो उड़ीसा में जाना चाहते थे और ना ही बिहार में। उन्हें अपना अलग राज्य चाहिए था, झारखंड। असल झगड़े की जड़ यही थी और इस संघर्ष को जारी रखने के लिए 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया गया, जिसके नेता बने भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जयपाल सिंह मुंडा। जी हाँ, लंबे संघर्ष के बाद भी जब उनकी मांग नहीं सुनी गई तो उन्होंने 1 जनवरी 1948 को खरसावा में एक विशाल बैठक बुलाई। ये दिन काफी खास था। एक तो देश की जनता आजादी के बाद पहली बार नया साल मना रही थी और दूसरा इसी दिन खरसावा का विलय होना था। तीसरा यह कस्बे में साप्ताहिक हाट का दिन भी था। साप्ताहिक हाट ग्रामीण और शहरी इलाकों में आमतौर पर लगने वाला बाजार है। ये एक फिक्स डे को वीक में एक बार, दो बार या तीन बार लगता है। कुछ जगहों पर हर दो हफ्ते में बाजार लगता है। साप्ताहिक हाट में व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। खैर, यहाँ पर मेन मुद्दा था विलय का। देखिए, जिसके विरोध में 50,000 से ज्यादा आदिवासी खरसावा में इकट्ठा हुए थे, जहाँ जयपाल मुंडा को खुद भी मौजूद रहना था और भीड़ को संबोधित भी करना था। खरसावा का विलय एक बड़ा मुद्दा था, इसलिए बैठक में युवा और बूढ़े, पुरुष और महिलाएं, आसपास के गांव के लोग और सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी आए थे। वहीं कई लोग तो जयपाल मुंडा की एक झलक पाने के लिए भी इतनी दूर तक आए थे। अब इतनी भारी भरकम भीड़ और उसके उत्साह को देखकर उड़ीसा के सैन्य बल भी चकरा गए। सरकार ने पुलिस को शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उड़ीसा सरकार हर हाल में इस विरोध को दबा देना चाहती थी, इसलिए सरकार के आदेश पर पूरे खरसावा को छावनी में बदल दिया गया था। चप्पे चप्पे पर मिलिट्री के जवान पसरे थे। अब जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि ये वो समय था जब देश भर की रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था, किसी को शांति से तो किसी को फोर्सफुली, यानी जो नहीं मान रहा था उस पर जोर आजमाने से भी कोई परहेज नहीं किया गया। खैर, इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जहां छोटी सी चिंगारी भी किसी भयानक घटना को अंजाम दे सकती थी। 1 जनवरी 1948 को ठीक ऐसा ही हुआ। दरअसल किसी वजह से 1 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा ही खरसावा नहीं पहुंच सके। इसका रिजल्ट ये निकला कि हजारों आदिवासियों की भीड़ किसी की भी आवाज नहीं सुन रही थी। तब पुलिस ने मशीन गन से एक लकीर खींची और लोगों को उसे पार करने का आदेश नहीं दिया, लेकिन उग्र भीड़ ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और लगातार अपनी मांगे उठाने में लगी रही। तभी उड़ीसा मिलिट्री के कुछ जवानों ने इन आदिवासियों पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरे मैदान में लाशें बिछ गईं। चारों तरफ घायल तड़प रहे थे, पानी मांग रहे थे, लेकिन ओडिशा प्रशासन ने ना तो बाजार के अंदर किसी को आने दिया और ना ही यहां से किसी को बाहर जाने की इजाजत दी। घायलों तक मदद तक नहीं पहुंचने दी। आजाद हिंदुस्तान में ओडिशा ने जलियांवाला बाग कांड कर दिया। यही नहीं, शाम ढलते ही लाशों को ठिकाना लगाना भी शुरू कर दिया। पूरे 6 ट्रक भरकर लाशें थी, जिन्हें या तो दफन कर दिया गया या जंगलों में फेंक दिया गया या फिर नदियों की तेज धारा में बहा दिया गया। घायलों के साथ तो और भी बहुत बुरा सलूक किया गया। करहाते लोगों को खुले मैदान में तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। उन्हें पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हुआ। खैर, अभी खरसावा में जहां शहीद स्थल है वहां एक बहुत बड़ा सा कुआं था, जिसे वहां के राजा रामचंद्र सिंह देव ने बनवाया था। कहा जाता है कि गोलीकांड के बाद इस कुएं को लाशों और अधमरे लोगों से भर दिया गया था और बाद में फिर उसे ढक दिया गया। बिहार में उस वक्त श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे। तब देश के बड़े नेताओं में शुमार श्री बाबू ने ओडिशा सरकार के द्वारा की गई इस कार्रवाई का विरोध किया था। उन्होंने गृह मंत्री पटेल को चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की थी। जवाब में पटेल ने भी इस नरसंहार का विरोध किया और कहा कि अगर खरसावा को ओडिशा में मिलाने के बदले जनता को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े तो ये सही नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है सरकार के, नरसंहार का आदेश देने के लिए कौन जिम्मेदार था? इस गोलीकांड को लेकर देखिए 7 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका है। वहीं उड़ीसा मिलिट्री के जवानों ने लोगों पर जुल्म किए, उसके बहुत ज्यादा दस्तावेज भी मौजूद नहीं। लेकिन इस कांड के बाद कई जांच कमेटियां भी बनी, लेकिन आज तक इस घटना पर कोई रिपोर्ट नहीं आई। खरसावा गोलीकांड का जनरल डायर कौन है, 75 साल बाद भी इसका खुलासा नहीं हो सका। 1 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, किस तरह कत्लेआम मचा, उसके सबूत अब तक दस्तावेजों में कैद हैं, लेकिन आज तक ये सबूत लोगों के सामने नहीं लाए गए। बिहार सरकार ने इसकी जांच रिपोर्ट भी तैयार की थी,
पर अफसोस वो रिपोर्ट आज तक प्रकाशित नहीं हो सकी। हालांकि इस जुल्म के बाद राज्य सरकार ने सिर्फ 35 आदिवासियों की मौत की बात स्वीकार की। 3 जनवरी 1948 को कोलकाता से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन ने भी 35 आदिवासियों के मारे जाने की खबर छापी, लेकिन पूर्व सांसद और महाराजा पी के देव की पुस्तक मेमोयर ऑफ अ बायगॉन एरा में 2000 आदिवासियों के मारे जाने की बात लिखी है। तब के नेताओं का भी दावा था कि इस मिलिट्री फायरिंग में हजारों आदिवासी मारे गए थे। बाद के दिनों में झारखंड के एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट अनुज कुमार सिन्हा ने इस कांड के कई पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उनसे जो बातचीत हुई, इसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब अनसंग हीरोज ऑफ झारखंड मूवमेंट में भी किया, जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। किसी ने भी ऐसी बुरी कल्पना नहीं की थी कि आजाद भारत में भी जलियांवाला बाग जैसा कोई कांड हो सकता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के खलनायक के बारे में जाना जाता है, लेकिन खरसावा नरसंहार के पीछे के रेगिनॉल्ड डायर का आज भी पर्दाफाश नहीं हो पाया। आदिवासियों की अपनी राज्य और स्वशासन की मांग काफी पुरानी थी। 1911 से तो इसके लिए सीधी लड़ाई लड़ी गई। इसके पहले बिरसा मुंडा के समय दिसुम आबुआ राज यानी कि हमारा देश हमारा राज का आंदोलन चला। इसके पहले 1855 के करीब सिद्धू कानू भी यानी हमारी पार्टी हमारा शासन के नारे के जरिए वही बात कह रहे थे। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आजादी के बाद सरायकेला खरसावा इलाके के आदिवासी मांग कर रहे थे कि हमें किसी और राज्य यानी कि बिहार या उड़ीसा में मत मिलाइए, हमें अलग राज्य दे दीजिए। उस वक्त उन्हें अलग राज्य तो नहीं मिला, लेकिन तोहफे में गोलियां और मौत जरूर बांटी गई। हालांकि इस गोलीकांड के भी बाद जब ये संघर्ष नहीं रुका तो 52 साल बाद नए राज्य यानी झारखंड बना दिया गया, जिसकी बाउंड्री हजारों लाशों के ऊपर से खींची गई है। एक तरफ जहां पूरे देश में आजादी के बाद नए साल के जश्न का शोर था, वहीं दूसरी तरफ खरसावा में मशीन गन और लोगों के चीखने चिल्लाने और करहाने की आवाजें थी। आज खरसावा के बाजार में एक स्मारक खड़ी है जिसे कुछ लोग राज्य का राजनीतिक तीर्थ स्थल बताते हैं। वहां अर्जुन मुड्डा, रघुबर दास और हेमंत सोरेन जैसे राज्य के नेता सालों से नए साल के दिन स्मारक का दौर करते रहे हैं। खैर, घाव के बाद मलहम लगाने का काम तो राजनीति में चलता ही रहता है। सरकार और उसके द्वारा बनाई गई कमेटियां तो आज तक सच नहीं बता पाई। दोस्तों, आप ही बता दीजिए कि इस हत्याकांड का डायर कौन हो सकता है? उड़ीसा सरकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल या प्रशासन या फिर कोई और? कमेंट करके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।